बड़ी ही मार्मिक कहानी सामने आ रही है चीन से। देखिए ये वीडियो। चीन में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को घरों से घसीटकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये वीडियो देखने में निर्मम जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन इस वीडियो की असल सच्चाई शायद सोशल मीडिया में बिना जाने समझे शेयर करने वालों के सामने कभी नहीं आएगी। चीनी नागरिकों का यह दर्द बयां कर पाना मुश्किल है, कम से कम शब्दों में तो नहीं। और उस पर सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहें, जिन परिवारों में कोरोना संक्रमण के लक्षण नजर आ रहे हैं उन्हें चीनी स्वास्थ्य कर्मचारी क्वारंटीन में ले जा रहे हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में और कहीं कहीं तो हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमित लोगों को रखा गया है। कारण कि अगर इन संभावित मरीजों को खुला छोड़ दिया गया तो खतरनाक कोरोना वायरस और तेजी से फैलेगा, जिसे कंटेन कर पाना, रोक पाना फिर चीनी एजेंसियों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन जहां आम जन की बात करें तो उन्हें उनके घरों से निकालकर अगर कोई ऐसी किसी जगह में डालना चाहेगा जहां पूरी संभावना है कोरोना से ग्रसित होने की, ऐसे क्वारंटीन कैंप्स में जो किसी युद्ध में युद्धबंदियों के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो सोचिए जरा कि कौन सा बाप होगा जो चाहेगा कि उसके बच्चे, उसका पूरा परिवार ऐसी किसी जगह पर डाल दिया जाए जहां हजारों कोरोना संभावित मरीज हों। इसी वजह से हर उस चीनी परिवार में जिनमें कोरोना के लक्षण मिल रहे हैं वो संघर्ष कर रहा है चीन में कि उन्हें किसी तरह से वॉर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की तरह दिखने वाले इन क्वारंटीन कैंप्स में ना डाला जाए। ये वीडियो इसी मार्मिक कहानी को दर्शा रहा है, जहां मजबूरी में चीनी स्वास्थ्य कर्मचारियों के पास कोई और रास्ता नहीं बच रहा। ये मानवीय मूल्यों को तार तार करती तस्वीरें ये साफ संकेत दे रही हैं कि अब भी अगर प्रकृति से खेलना हमने बंद नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब इंसानों के ही हाथों इंसानों का कत्ल होगा, और ये शुरू हो चुका है ऐसा लग रहा है। चीन में कोरोना संक्रमण से पीड़ितों की संख्या 40,000 के पार पहुंच चुकी है। एक दिन में संक्रमण के 3,062 नए मामले सामने आए हैं। चीन के हुबेई प्रोविंस में सबसे ज्यादा 91 मौतें हो चुकी है। अफसरों के मुताबिक अब हवा के कणों के साथ मिलकर भी फैलने लगा है कोरोना वायरस। ये बड़ी ही खतरनाक खबर है। कोरोना वायरस मात्र 15 सेकंड में व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत सहित कई देशों के वैज्ञानिक इसका टीका तैयार करने में जुटे हुए हैं, वैक्सीन तैयार करने की तैयारी में। इसे रोजाना करीब 100 लोगों की मौत हो रही है। बताया गया है कि हांगकांग में एक परिवार के 9 लोग साथ खाना खाने के बाद संक्रमित हो गए। अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले परिवार के 24 साल के लड़के और उसकी 91 साल की दादी में कोरोना वायरस के लक्षण देखे गए। इसके बाद जांच में उसके माता पिता और बाकी घर वालों में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई। कोरोना प्रभावित चीनी क्षेत्रों से कई मार्मिक मानवीय कहानियां निकल कर आ रही हैं। उन्हीं में से एक कहानी इसकी है। अस्पताल में नर्स से बेटी बोली, आपकी याद आती है। भावुक मां ने हाथ फैलाकर हवा में गले लगाया क्योंकि सामने मिल नहीं सकती थी, अन्यथा कोरोना फैलने का खतरा था। ये वीडियो देख रहे हैं आप। चीन में कोरोना वायरस मरीजों का इलाज कर रहे मेडिकल स्टाफ को बेहद मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। अस्पताल के कई डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्टाफ कई महीनों से अपने घर नहीं गए। परिवार के लोगों को उन्हें अस्पताल के बाहर ही मिलने, खाना या अन्य जरूरी चीजें देते देखा जा सकता है। ऐसा ही एक मामला हेनान प्रांत के झोकोयू में सामने आया है। यहाँ एक नर्स से जब उसकी बेटी मिलने पहुंची तो अपनी बच्ची को गले तक नहीं लगा पाई, दूर से ही एयर हग दिया। अस्पताल के बाहर एक नर्स को उसकी बेटी खाना पहुंचाने पहुंची थी। दोनों ने दूर से एक दूसरे का अभिवादन किया और भावुक हो गई। उसने दोनों हाथ फैलाकर बेटी को गले लगाया। फेस मास्क पहने बेटी माँ को देखकर रो रही थी। माँ बच्ची को ढांढस बंधा रही थी कि जल्द ही वायरस खत्म हो जाएगा और वो अपनी बेटी के पास लौट कर आएगी। बेटी भी माँ से कहती है कि मैं आपको मिस कर रही हूँ। मुलाकात के दौरान माँ बेटी से कहती है, हिम्मत रखो, हम इस राक्षस को खत्म कर देंगे, मैं जल्द घर लौट आऊंगी। इस दौरान बेटी लगातार रोती रहती है। माँ टिफिन उठाकर चली जाती है।
इसी बीच खबरें आ रही हैं कि हवा से तैर कर लोगों को संक्रमित कर रहा है कोरोना वायरस। एक दिन पहले ही चीनी अफसरों ने कोरोना वायरस को लेकर बेहद डरावना खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वायरस अब हवा में मौजूद सूक्ष्म बूंदों में मिलकर संचरण करने लगा है और हवा में तैरते हुए दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर रहा है, जिसे एरोसॉल ट्रांसमिशन कहा जाता है। अब तक वायरस के डायरेक्ट ट्रांसमिशन और कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन की ही पुष्टि हुई थी। शंघाई सिविल अफेयर्स ब्यूरो के उप प्रमुख ने बताया, एरोसोल ट्रांसमिशन का मतलब है कि वायरस हवा में मौजूद सूक्ष्म बूंदों से मिलकर एरोसोल बना रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक इससे सांस लेने पर भी संक्रमण हो रहा है, जो कि एक बेहद खतरनाक खबर है। कोरोना नामक इस राक्षस को कब रोका जाएगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस आपदा ने यह साबित कर दिया है कि हम इंसान जो एक दूसरे के देशों को परमाणु हमले करके ध्वस्त कर देने की धमकी दिया करते थे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रकृति हमसे पहले ही हमें खत्म करने का तरीका खोज ले और कोरोना जैसे प्राकृतिक जैविक बम मानव जाति पर गिराए जिसका जवाब न सरहद के इस पार हो न सरहद के उस पार हो। और वैसे भी सरहदें तो मैन मेड हैं, मानव निर्मित हैं। प्रकृति के लिए तो हम इंसान केवल एक जीव हैं, सब एक बराबर हैं। क्या लगता है आपको ये वीडियो देखकर, इंसान इंसान को मारेगा या प्रकृति इंसान को मारेगी? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और ये सवाल अपने अपनों से भी पूछें। शेयर करें ये वीडियो जितना हो सके। धन्यवाद।